नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल शालीन पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पशु परिचय परीक्षा 2024 की तैयारी के सब्जेक्ट में। तो मैथ में पढ़ रहे हैं टाइम, वर्क एंड वेजेस, यानी समय, काम और मजदूरी। आए समय, काम और मजदूरी से संबंधित यह सवाल हल करते हैं। किस प्रकार से हल होता है? दिया है हमें, यदि चार पुरुष या आठ लड़के किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो पूछ रहा है 3 पुरुष और 4 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, हमें 1 पुरुष के बराबर में सबसे पहले लड़कों की संख्या ज्ञात करना है कि 1 पुरुष के बराबर कितने लड़के हैं। देखिए, दिया हुआ है हमें 8/4, 8/4 इनका है, और इधर देखिए 3 पुरुष और 4 लड़के हैं, तो 1 पुरुष की बराबर मान होगा, यानी कि लड़कों की संख्या होगी कितने होंगे, 8 × 3 करेंगे, यानी कि ये जो लड़के हैं इसको 3 से करेंगे और 4 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 4 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार आता है, और 2 को 3 से करते हैं तो 6 आता है, यानी कि 1 पुरुष के बराबर में 6 लड़के हैं। 1 पुरुष जितना काम करता है उतना काम 6 लड़के मिलके करते हैं। अब पूछ रहा है कि 3 पुरुष और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, 8 हैं लड़कों की संख्या पहले 8 थी। अब देखिए, 1 पुरुष के बराबर में 6 लड़के हैं और टोटल लड़के इधर 4 दिए हुए हैं, तो 6 + कितने हैं, 4 10 हो गए, 6 + 4 हो गए 10। अब दिया हुआ कितने दिनों की संख्या, 15, और पूछ रहा है कि 10 आदमी हैं कि 10 जो लड़के हैं वो कितने दिनों में करेंगे। 8 लड़के तो 15 दिन में कर लेते हैं, लेकिन 10 लड़के कितने दिनों में करेंगे ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको हल करेंगे हम। 15 × 120 होता है, और उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो x का मान आ जाएगा अपने पास में 8 × 15/10। तो x बराबर होगा 15 × 120 में 10 से डिवाइड करेंगे तो x का मान होता है 12, यानी कि 12 डेज के अंदर 10 जो लड़के हैं वो उस कार्य को कर देंगे जिस कार्य को 8 लड़के 15 दिन में करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट।